अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 146। और आज के लेसन में हम ड्रॉ करेंगे एक कंप्लीट 3D ऑफिस चेयर, जो कि हमने प्रीवियस लेसन में हमने उसके सिर्फ टॉप एरिया बनाया था, हमने व्हील वगैरह उसके नहीं बनाए थे। तो आज के लेसन में हम वो कंप्लीट चेयर हम उस चेयर को कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ और उसमें हम डिफरेंट पॉट्स वगैरह पे भी काम करेंगे, व्यू पॉट्स पे भी काम करेंगे। तो मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। तो मैंने प्रीवियस लेसन में ये चेयर बनाई थी, आज के लेसन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो मेरे पास ये कस्टम व्यू से मैं इसको टॉप व्यू में लेके आता हूँ। तो यहाँ पर ये टॉप व्यू देख सकते हैं, लेकिन मेरे टॉप व्यू पर काम करना है तो मैं यहाँ से इसके SW आइसोमेट्रिक व्यू में लेके आता हूँ और मैं टॉप व्यू पर यहाँ से जाऊँगा। यहाँ से मैं स्विच करता हूँ जी टॉप व्यू। ओके, अब मैंने यहाँ पे काम जो करना है वो क्या है जी, आप देखें, मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। सी एंटर, सर्कल में देता हूँ फॉर एग्जांपल एक 30 का देता हूँ और एक सर्कल देता हूँ सी एंटर एक 27 का या 25 का दूंगा। इसको डिलीट करता हूँ। एक और सर्कल तो हम सी एंटर और ये मैं यहाँ से दूंगा जी 20। यस, सो मैं देता हूँ 25 को। ओके, अब मैंने जो है तो यहाँ पे से काम करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो टॉप वाला सर्कल है उसको मैं प्रेस पुल कमांड से इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ से, और मूव करूँगा मैं जिसको वन फिफ्टी, और बॉटम वाले सर्कल को भी मैं मूव करूँगा। तो उसके लिए मैं रियलिस्टिक से 2D वायरफ्रेम में आता हूँ और इस नीचे वाले दूसरे सर्कल को भी मैं मूव करूँगा 150 के फासले पे, और बॉटम में वन -150, इसको करूँगा -150, नहीं माइनस नहीं है क्योंकि कंट्रोल जेड करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टॉप पे है हमारे पास जो है तो वर्क स्पेस में नीचे नहीं है, 150 से ही करता हूँ। ओके, अगर एक्सट्रूड करूँ तो -150 करता है, लेकिन एक्सट्रूड नहीं, मैं प्रेस पुल कमांड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास यहाँ से इसी तरह होगा। अब जो काम करना है वो क्या काम करना है जी, उसके लिए मैं यहाँ से आपको बताऊँ कि इसको फ्रंट व्यू में लेके जाते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, फ्रंट व्यू में लेके जाते हैं और इसको यहाँ से मूव करूँगा मैं एम एंटर। एम एंटर तो यहाँ से इस कॉर्नर से उठाता हूँ और यहाँ पे इसके मिड पॉइंट में इसको रख देता हूँ। अब ज़रा देखते हैं, सही है। अब इसको यहाँ से भी मूव करना है, तो उसको मूव करने के लिए मैं यहाँ से मूव कमांड दोबारा लूँगा एम एंटर और इसको इस मिड पॉइंट से मैं मूव करूँगा 300 के फासले पे, 150 के फासले पे। अब मैं देखता हूँ ज़रा, सही है। अब इसे टॉप व्यू में जाके देखूँगा, यहाँ से टॉप व्यू में आता हूँ। यस, अब अगर बिल्कुल एक्यूरेट फिर भी नहीं है तो आप यहाँ से ये करें, इसको फिर मूव करें एम एंटर मिड पॉइंट से। यस, अब सही है, बिल्कुल सेंटर में आ गया और मैं इसे उठाता हूँ। चलिए, मूव एम एंटर, अब मैं ये इलास्टिक व्यू में देखता हूँ जरा। ओके, तो हमारे पास यहाँ तक ये बिल्कुल रेडी है जी।
अब जो काम करना है उसके लिए मैं यहाँ से फिर टॉप व्यू में आऊँगा, फ्रंट व्यू में आऊँगा सॉरी, और इसको मैं यहाँ से रियलिस्टिक की बजाय 2D वायरफ्रेम में लेके जाता हूँ। अब जो काम करना है उसके लिए मैं क्या करूँगा, आर्क लेता हूँ, एंटर, ओके, रेक्टेंगल लूँगा एक, आर आर ई सी एंटर, एट द रेट ऑफ 2,2 एंटर करता हूँ, बस यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसको यहाँ से दोबारा जो है तो एस डब्ल्यू एस मेट्रिक व्यू में लेके जाऊँगा, टॉप से एस डब्ल्यू एस मेट्रिक व्यू में लेके आता हूँ, और अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, आर ई सी एंटर, एट द रेट ऑफ 4,4 एंटर, ओके, और इसको मैं यहाँ से 4 भी कम है, टेन कामा टेन, ये सब सही है कुछ। अब मैं इसको यहाँ से काम जो करूँगा वो मैं क्या करूँगा जी, इसको मैं एल एंटर करता हूँ इसके मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक, फिर एल एंटर करता हूँ इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक, इसकी कॉपी ले लेता हूँ 3, वन टू, ओके। अब इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा और यहाँ पे से जोड़ दूंगा, ओके। अब मैं यहाँ पे स्वीप कमांड यूज़ करूँगा, सॉरी स्वीप कमांड यूज़ करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा स्पेस और इसको यहाँ पे मूव कर दूँगा, ओके, यहाँ तक ये जी कंप्लीट हो, कंट्रोल जेड करता हूँ, काम रहते है कि मैं इसको कंट्रोल जेड, एम इंटर, ये सब सही है। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करें यहाँ से टॉप, जरा मैं देखूँ इसको जरा 3D व्यू में, ये सही है, आर ई सी रेक्टेंगल एट द रेट ऑफ 10,10, आर ए सी इंटर एट द रेट ऑफ 10,10, ओके, और इसको मैं आप यहाँ से एल इंटर, कॉपी सी पी इंटर, डिलीट कर दें, ओके। अब यहाँ पे इसको मैं जो काम करूँगा वो क्या करना है जी, स्वीप कमांड यूज़ करनी है, तो स्वीप कमांड से पहले मैं कुछ और काम कर लूँ, इसको मैं रोटेट करता हूँ, स्वीप से पहले मैं इसको जो है तो फिलेट करूँगा, एफ एंटर, आर एंटर, और 3 रेडियस से मैं इसको फिलेट करना चाहता हूँ, देखता हूँ, यस, इनको भी एफ एंटर आर एंटर 3 के रेडियस से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इनको भी, ओके। अब जो काम करने वो ये है कि मैं इसको अब यहाँ से इसको रोटेट करूँगा, आर ओ रोटेट 3D, इसको सिलेक्ट करता हूँ स्पेस और इसको मैं यहाँ से F8 प्रेस करके रोटेट करता हूँ 90 पे,
कॉपी करता हूँ इसको यहाँ से, सी पी एंटर, सी पी एंटर, इस पॉइंट से उठा के इसको इस पॉइंट पे कॉपी करूँगा और यहाँ से इस पॉइंट पे कॉपी करूँगा, इसको डिलीट करता हूँ। ओके, अब मैंने जो काम करना है वो क्या करना है, प्रेस पुल कमांड यूज़ करनी है, इसको इस साइड पे मैं लेके जाता हूँ। फाइव मैं कितना दिया था जी, टेन टेन दिया था, मैं इसको देता हूँ थ्री टू, बल्कि यहाँ पे देता हूँ और टू, इसको अंदर वाली साइड पे और टॉप पे मैं इसको देता हूँ जी थ्री। ओके, यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ। एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर, फोर रेडियस देता हूँ इसको मैं, बल्कि एट रेडियस देता हूँ इसको मैं, इसको भी रोटेट करूँगा, आर ओ एंटर, रोटेट थ्री डी, और इसको भी यहाँ से रोटेट करता हूँ 90, कॉपी करूँगा इसको, मूव करूँगा बल्कि एम एंटर, इस कॉर्नर से मूव करता हूँ और इसको जाके तो मैं इसके यहाँ पे जोड़ूँगा। ओके, अब इसको मूव करके मैं देखता हूँ ज़रा, ओके यहाँ पे सही नहीं आई, तो इसको मैं यहाँ से दोबारा मूव करूँगा, एम एंटर, मैं इसको रोटेट करके दोबारा देखता हूँ, यस सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ओके सही है। बड़ा है थोड़ा सा, थोड़ा छोटा करूँगा यहाँ से, मूव करता हूँ इसको मैं, यस। अब मैं इसको प्रेस पुल कमांड की मदद से इसको भी करूँगा, प्रेस पुल कमांड की मदद से, प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा इस सर्कल को यहाँ पे मैं इसको देता हूँ जी टू वन, बल्कि टू एंटर करता हूँ, देखता हूँ टू कितना है, 1.8 करूँगा, 1.7, प्रेस पुल कमांड, 1.5 एंटर, एंड 1.5 एंटर, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा एम एंटर, तो यहाँ तक इसको मूव किया और अब जो काम करना था मैंने वो काम मैंने किया ही नहीं। हाँ, कंट्रोल जेड, बल्कि मैंने किया है वो काम, कंट्रोल वाई, स्वीप कमांड जो मैंने किया था, चलिए फिर से करता हूँ, मूव एंटर, एम एंटर, ओके अब मैं यहाँ से ये इलास्टिक व्यू में जाके देखता हूँ, इसको डिलीट करें, नहीं हुआ,
चलें कोई बात नहीं, मैं यहाँ से दोबारा इसे करता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। मूवमेंटर, ओके दोबारा मैं काम कर लेता हूँ वही। तो स्वीप कमांड आप यूज़ करें, एम एंटर, स्वीप एस डब्ल्यू डब्ल्यू पी कमांड लेता हूँ। यह सब हमारे पास ही कंप्लीट हुआ। और अब जो काम करना है वो क्या है जी, आप इसको यहाँ से दोबारा इसको एक और काम करता हूँ मैं यहाँ से, ये जो इनको डिलीट कर देंगे, जो यहाँ पे ये जो लाइन है इनको डिलीट कर दें। ये बाद में आपका प्रोजेक्ट का लुक सारा ख़राब हो जाता है इनकी वजह से। यहाँ पे ये हो गई, ओके यहाँ से मैं से रियलास्टिक से मैं कॉन्सेप्चुअल व्यू में लेके आता हूँ जिससे मुझे क्लियर पता चलेगा, फिर रियलास्टिक में लेके जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है सही है। तो आपके देखिए यहाँ पे आपकी, यहाँ पे एक लाइन है, तो ये लाइन होगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको जैसे ये लाइन होगी इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, ये जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट है। ओके ओके अब जो काम करना है वो क्या है कि आप इसको यहाँ पे एरे कमांड आपने यूज़ करनी है। तो एरे कमांड के लिए आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से टू डी वायरफ्रेम में लेके जाएं और एरे कमांड यूज़ करें। तो एरे के लिए ए आर एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें स्पेस और इसको मिड पॉइंट से पोलर एरे, और उसको यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से आप एरे दे दें। देखें ज़रा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, और इसको यहाँ से इलास्टिक व्यू में लेके जाएं तो देखिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेडी है। और पोलर एरे में भी मैंने गलती की है, इसको आप ज्वाइन करें। अब एरे यूज करें, ए आर सेलेक्ट करता हूँ स्पेस और इसको मिड पॉइंट से पोलर एरे, यहाँ पे मिड पॉइंट से इसको देता हूँ। ओके अब मैं इसको यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में लेके जाता हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। और अब एक काम करना है जी, काम क्या है कि आप इसको मटेरियल अप्लाई कर लें। तो मटेरियल के व्यूलाइज पे क्लिक करें और मटेरियल पे क्लिक करें, आपको जो मटेरियल अच्छा लगता है वो मटेरियल इस पर अप्लाई करें। मैं यहाँ पे जाता हूँ जी होम में, आप यहाँ पे मेटल है, मेटल वाला मटेरियल है, यहाँ पे मैं कोई मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ उस पर। तो उसके लिए आप यहाँ से इसे थंबनेल्स व्यू पे लेके जाएं। अब मैं यहाँ से इसको मटेरियल अप्लाई करता हूँ जी, मेटल वाला मटेरियल अप्लाई करता हूँ। तो मेटल का मटेरियल मैं यहाँ पे नीचे अप्लाई करना चाहूँगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है देखें, अब इस पर अब मटेरियल अप्लाई नहीं होगा तो इसको आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एक्स एक्सपोर्ट करें, और अब यहाँ से इनको सॉलिड यूनियन कर लें। ये सारे को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको सॉलिड यूनियन कर लें। ओके सॉलिड यूनियन करने के बाद आप यहाँ पे इस पे मटेरियल अप्लाई करें। ओके अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो इसको आप मूव भी कर सकते हैं यहाँ से। मूव एंटर करें, एम एंटर, कितना जी 0.1 करता हूँ मूव इसको। एम इंटर, पॉइंट 2, पॉइंट 4, ओके सही है, मूव कर लिया। अब मैंने यहाँ से इसको क्या करना चाहिए, गोल मटेरियल अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, ये मटेरियल यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वही जो लाइन जिसका मैंने, बल्कि ये शेड है इसका, यहाँ पे देखें ज़रा, इसको मैं डिलीट करना चाहिए था,
क्योंकि हमारी सारी सारी लुक को ख़राब कर देती हैं। कंट्रोल सेट इनको डिलीट कर लीजिएगा आप। सही है, अब यहाँ पे और मटेरियल भी अप्लाई करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करें जी, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और रूफिंग मटेरियल अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर। ये मटेरियल अच्छा है, आपको जो भी मटेरियल अच्छा लगता है वो अप्लाई करें, मुझे ये अच्छा लगता है यहाँ पे ये। तो हमारे पास देखिए मटेरियल भी अप्लाई हो गया और हमारे पास कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट भी ड्रा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और इसी तरह आप ऑब्जेक्ट ड्रा भी कर सकते होंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलता हूँ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।